नाउ वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीरो बैकलिंक के साथ आप कैसे मैसिव गूगल ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी वेबसाइट की गूगल सर्च कंसोल दिखाता हूं। अब आप देखिएगा यहां पे लास्ट 3 मंथ में लगभग 250,000 इंप्रेशन आए हैं और इतने क्लिक्स आपको दिख रही है। एवरेज CTR देखिए, बीच में मेरी वेबसाइट पर अच्छे इंप्रेशंस क्लिक्स वगैरह थे, हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है ये, और यहाँ पे देखिए बीच में डाउन हो गया था। मैंने उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जिसकी वजह से फिर से अप होने लगा है और यहाँ पे वेबसाइट पे रैंकिंग हासिल होने लगी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको कि कैसे आप गूगल से मैसिव ट्रैफिक ला सकते हैं, आपको किसी भी बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बात और, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बैकलिंक जो होती है, वेबसाइट की बैकलिंक एक बेहतर रैंकिंग फैक्टर होता है, लेकिन एक बेहतर रैंकिंग फैक्टर होता है, बहुत सारे उसके अलावा भी रैंकिंग फैक्टर होते हैं। एक अच्छा बैकलिंक आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और एक ख़राब बैकलिंक आपकी वेबसाइट को सीधा नीचे गिरा सकता है। ठीक है, तो बैकलिंक बहुत सोच समझ के ही अपनी वेबसाइट बनाया करें। चलिए तो बातें करते हैं कि कौन सी ऐसी 4 टेक्निक्स हैं जिसको आप अपने वेबसाइट पर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्राफिक मिलेगा। सबसे पहले आपको टॉपिकल अथॉरिटी पर काम करना है। ठीक है, अगर मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट हेल्थ निश पे है और अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे जाकर के सर्च करते हैं कि हाउ टू डू अ डंबल प्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक्सपर्टीज़ एक्सपीरियंस वाली कंटेंट आ रही है, मतलब यहाँ पे गूगल की ईट की जो अपडेट थी ना उसके हिसाब से यहाँ पे मैच करना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऑथोरिटी चीज़ अगर आप बता रहे हैं उसके हिसाब से ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी एक्सपीरियंस उस चीज़ में है कि नहीं। खास तौर से ऐसी चीज़ें हेल्थ निश में बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो गूगल की ईट है अपडेट आई थी जिसका फुल फॉर्म आपको एक्सपर्टीज़ ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थनेस वगैरह आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर आपकी आर्टिकल रहती है तो गूगल आपको रैंक करेगा। लेकिन अगर आप जनरली टॉपिक को अपने वेबसाइट में कवर करते हैं, जैसे कि वाई जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ गूगल में सर्च करता हूँ वाई जिम इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है जिसपे रैंक करना एक ऑथोरिटेटिव्स को नहीं दिखाता है, एक ऐसी चीज़ नहीं दिखाती है कि आपकी एक्सपीरियंस चीज़ में होनी चाहिए, ये जनरल और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। तो इस प्रकार के आर्टिकल में आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है, या फिर व्हाट इज जिम करके अगर आप लिखते हैं तो इस प्रकार के आर्टिकल रैंक किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं चलूँ यहाँ पर, मैंने कुछ नोट्स वगैरह अपडेट्स किए यहाँ पर, अगर मैं चलता हूँ ChatGPT पे, ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँगा। यहाँ पर मैंने सर्च करना है यहाँ पर गिव मी 30 सेंटीमेंटल रेविलेंट बट यूनिक टॉपिक अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ जिम एक्सरसाइज। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो जिम एक्सरसाइज के ऊपर बहुत सारे कैटेगरीज वगैरह आ सकती है, किस किस प्रकार की कैटेगरीज वगैरह इसमें हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे योगा फिटनेस वगैरह हो सकती है, फिटनेस वर्कआउट वगैरह हो सकती है, ओलंपिक फिटनेस वगैरह हो सकती है, बॉडी बिल्डिंग स्पिरिट्स वगैरह हो सकती है। तो 30 आपको जैसा कि हमने लिख के बताया तो यहीं पर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं सभी की अलग अलग यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बेंच प्रेस वगैरह का सिलेक्ट कर लिया है, तो बेंच प्रेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इनको बताएंगे कि डिफरेंट कीवर्ड्स वेरियंट्स मुझे बताइए बेंच प्रेस के ऊपर जो मतलब की इंटेंट शो करता हो सर्च इंटेंट में। तो देखिए इस प्रकार की चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट में कवर कर सकते हैं। ठीक है, टिप्स वगैरह करके कवर कर सकते हैं ताकि उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज की जरूरत ना हो, हालांकि नॉलेज तो ज़रूरी है इस चीज़ में फिर भी, लेकिन इस प्रकार के आर्टिकल को रैंक करना थोड़ा आसान होता है, बनिस्बत के आपने कुछ ऐसी आर्टिकल को सिलेक्ट कर लिया है जिसमें गूगल बोलता है कि भाई आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ट्रस्टवर्थनेस वगैरह होना चाहिए या कुछ अथॉरिटी वगैरह होनी चाहिए उस चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ में आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी आर्टिकल किस प्रकार की होगी, तो इस पर आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि दूसरा, एक तो ये हो गई कि आपको टॉपिकल अथॉरिटी पे काम करना है, दूसरा होता है लिंक बेस्ड कंटेंट पे आपने काम करना है। ठीक है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ लिंक बेस्ड कंटेंट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं स्टैटिक्स वेबसाइट पे अगर चलता हूँ, जैसे कि अभी चल रहा है G20 एजेंडा दिल्ली में चल रही है, ठीक है, तो ये देखिए ये ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक्स बताती है और ये ऐसी चीज़ है जो ट्रेंडिंग चीज़ें बताती है। स्टैटिक्स वाली जो भी चीज़ें होगी अगर आप उस चीज़ पे लिखते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकलिंक मिलती है जिससे आपकी वेबसाइट
रैंक करती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो नई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो एस्टेटिक्स वगैरह को शो करती है, तो आपको ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना अगर आपकी आर्टिकल ऐसी हो, या फिर अगर आपकी वेबसाइट इन्फोग्राफिक भी हो। इन्फोग्राफिक वेबसाइट अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको ओपन करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फोग्राफिक्स वाली वेबसाइट अगर होगी, जैसे इस प्रकार की इन्फोग्राफिक आप अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं अच्छे से ऑप्टिमाइज करके, तो इस तरह करके अगर आप करेंगे तो आप देखिए कि आपकी क्या कहते हैं कि वेबसाइट पर ऑर्गेनिक बैक लिंक मिलते हैं, ठीक है। लिंक बैट उसमें मिलता ही मिलता है ज़्यादातर चांस, चूँकि लोग अट्रैक्टिव होते हैं वहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे इनको लिंक मिल जाती है, इमेज लिंक वगैरह मिल जाती है, इन्फोग्राफिक वगैरह बहुत अच्छे से लिंक मिल जाती है, ठीक है। या फिर आप अगर आप कंट्रोवर्सी टाइप पे अगर आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको वाई डिफल्ट इज अ डेड एक्सपीरियंस इन द 2023, ठीक है। आप यही देखिए, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस प्रकार की कॉन्टेंट हो गई, या फिर इस प्रकार की कॉन्टेंट हो गई, वाई बेंच प्रेस इज नॉट अ बेनिफिशियल एज अ पीपल थिंक, या जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बेंच प्रेस के बारे में सर्च किया था इस पे चैट जीपीटी पे, ठीक है। यहाँ पे बेंच प्रेस के बारे में हम लोग सर्च किया था, उसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी हो सकती है, मतलब क्यों लोग इसके बारे सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है, तो ऐसा चीज़ें जो इंफॉर्मेशन को भी पॉइंट कर रही है, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी चीज़ों को भी मतलब कि ये पॉइंट कर रही है, या फिर कुछ कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर वगैरह टाइप की वेबसाइट, या फिर कोई ऐसी चीज़ कैलकुलेटर जो करती है, तो ऐसी चीज़ों को अगर अपनी वेबसाइट पे आप इंक्लूड करते हैं तो समझे कि वहाँ से लिंक मिलने के चांस हैं। नॉर्मल आर्टिकल जो होता है जिस पे लोग ऐसे ही रैंडमली लिखे जाते हैं कि टॉप थ्री है क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, बाइंग गाइड क्या है, तो उस पे आपको बैकलिंक मिलने के चांस कम है। लेकिन इस प्रकार के स्टैटिक्स वेबसाइट भी, इन्फोग्राफिक वेबसाइट पे, कंट्रोवर्सी वेबसाइट पे अगर आप लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली वेबसाइट पे ट्रैफिक मिलती है, क्योंकि वहाँ से बैकलिंक भी आपको मिलती है, ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि आपको ज़ीरो सर्च वॉल्यूम पे काम करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ज़ीरो सर्च वॉल्यूम के बारे में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आइए एक चीज़ है यहाँ पे देखिए वाई डिफ़िकल्टीज, एक चीज़ यहाँ पे चलते हैं, मैं बताता हूँ इस बेंच प्रेस गुड फॉर हाइपोथ्रॉफी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो उसकी वॉल्यूम आपको ज़ीरो दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो बहुत सारे लोग इस पर काम नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप ज़ीरो सर्च वॉल्यूम पे काम करते हैं, ज़ीरो नहीं है बल आपको दिख रही है ज़ीरो यहाँ पे, तो यहाँ से वेबसाइट पर रैंकिंग करती है और 150-200 तक ट्रैफिक आती है। अगर मैं आपको यहाँ पे चलूँ अपने वेबसाइट पे सब कुछ अगर मैं बताऊँ, तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिस पे लोगों ने लिखना ही नहीं शुरू किया, छोड़ देते हैं कि भाई इस पे तो वॉल्यूम ही नहीं, क्या लिखने जाएँ। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको ज़ीरो सर्च वॉल्यूम पे ज़रूर काम करना है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट में बैकलिंक की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात है कि ज़ीरो सर्च वॉल्यूम में कंटेंट को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आंसर द पब्लिक पर जा सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कि D20 एजेंडा सर्च किए, इंडिया में चलिए, इंडिया में सर्च करते हैं, चूँकि इंडिया में इसकी क्रेज़ है, इसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे G20 एजेंडा मैंने सर्च किया था, तो इसके देखिए कितने सारे कीवर्ड्स आपको दिख गए, कितने सारे आपको टाइटल्स वगैरह, क्वेश्चन टाइप के, प्रीपोजिशंस वगैरह, कंपैरिजन टाइप के आर्टिकल आपको दिख गए हैं, टाइटल्स, इन सभी पे आप कर सकते हैं। भले इनकी ट्रैफिक ज़ीरो होगी लेकिन आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाएगी ये, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से इनको सर्च करना है। या फिर दूसरा तरीका है कि और है कि अगर किसी भी चीज़ को, कीवर्ड को सर्च करते हैं तो यहाँ पे ना आपको पीपल आल्सो आस्क की सेक्शन आपको दिखती है, तो ये सब पीपल आल्सो आस्क के सेक्शन पे जितना भी इसको क्लिक करेंगे आपको नई नई आपको कीवर्ड्स मिलती रहेगी, टाइटल मिलती रहेगी, इन सभी टाइटल्स पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक मिलती है। कम ट्रैफिक मिलती है लेकिन क्वालिटी ट्रैफिक मिलती है। क्वालिटी ट्रैफिक का मतलब वो आपके कन्वर्जन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के आर्टिकल को आपने ज़रूर कवर करना है। चौथा स्टेप हमारा यह है कि राइट अ परफेक्ट SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल, उस पर आपको बैकलिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2-3 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। एक बात आप अपने आप में समझ लीजिए कि गूगल एल्गोरिथम के हिसाब से आपको लिखना है, न कि सिर्फ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका आर्टिकल बेहतर होना चाहिए और गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतर होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर चलता हूँ बेनिफिट्स, इसको सर्च करता हूँ बेनिफिट्स ऑफ डेट्स विथ मिल्क एट नाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोग सर्च करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डेट्स विथ मिल्क एट नाइट, तो याद रखिए कि गूगल ने कभी खजूर खाए नहीं है, ठीक है, और ना ही उसके ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन गूगल
कैसे आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, क्यों आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा, इसका अंदाज़ा उसे बहुत है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में ना बहुत सारे वेबसाइट आ रहे हैं जो रैंक कर रहे हैं, उनकी बाउंस रेट क्या होती है इन वेबसाइट की, इस पे लोग कितनी विजिट कर रहे हैं, कितने क्लिक कर रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि आपकी पोस्ट कैसी होगी। हालांकि इन उनको डेट्स खा के नहीं देखता ये, ठीक है, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लेता है कि आपकी पोस्ट को उनको रैंक करना है या नहीं रैंक करना, ठीक है। ऐसे कंटेंट लिखने के लिए, जैसे कि इस प्रकार के कंटेंट को अगर आप लिखेंगे, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको एनालाइज़ करना है टॉप फाइव, इस प्रकार के आर्टिकल लिखने के लिए टॉप फाइव पोस्ट आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो भी टॉप फाइव में रैंकिंग वेबसाइट है सबको आपने नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेना है और सबको आपने एनालाइज़ करना है, ठीक है, कि सबके टाइटल्स वगैरह। एक एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, इस एक्सटेंशन को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइटल्स वगैरह की कैरेक्टर दिखाएगी, डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर दिखाएगी, यूआरएल वगैरह देखिए, सब इंडेक्सेबल कैरेक्टर वगैरह अच्छा है, सब कुछ फिट है, कॉनिकल वगैरह ठीक है, देखिए 2000 वर्ड्स की इन्होंने आर्टिकल लिखी है, सब कुछ ये एक्सटेंशन आपको सब दिखाया जाता है, H1 H2 H3 वगैरह सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। हेडिंग्स वगैरह में जाएंगे तो जितना हेडिंग्स इन लोगों ने कवर किया है ना, सबकी वेबसाइट पर आप ओपन कर देख लीजिएगा, सभी वेबसाइट का निचोड़ निकाल करके आपको अपनी वेबसाइट के लिए पब्लिश करना है, ठीक है। तो वहाँ से क्या करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और वहाँ से आप ज़्यादा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्स बिल्डिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएगा और इमेजेस के बारे में भी ये आपको बहुत अच्छी तरह से बताएगा, कितने सारी इसकी इमेजेस वगैरह, ठीक है। तो ये प्लगइन आपने डाउनलोड कर लेना है, प्लगइन देखिए डिटेल SEO एक्सटेंशन है, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया मिलेगा कि आपको अपने पोस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे क्या करना है। इससे इस चीज़ के बारे में और भी बेहतर जानने के लिए मैंने लास्ट वीडियो जो पब्लिश किया थी 3-4 दिन पहले, कि ब्लॉग पोस्ट लिखने का संपूर्ण ज्ञान, इसको आप देख लीजिएगा, 12-13 मिनट की वीडियो है, बहुत ही इनफ आपको नॉलेज देगा कि कैसे कैसे आपको करना है नहीं करना है। साथ में आपको ये भी देख लेना है क्या हमें AI जनरेटेड आर्टिकल पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी देख लेना है कि 10 मिनट में आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, बेहतर आर्टिकल, ये 3-4 वीडियोस में आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपको देखना है, ताकि आपकी एक आर्टिकल लिखने की फ्रीक्वेंसी और किलनेस वो आप तेज़ी हो जाए, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी ब्लॉग को और भी बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं, वेबसाइट यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गूगल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही कि आप कैसे एक बिना क्या कहते हैं बैकलिंक बनाए हुए एक ऑथोरिटी ट्रैफिक ले सकते हैं, ये 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों को अगर अपनाते हैं तो आप बहुत ही बेहतर ट्रैफिक लाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।